क्या कारण है कि कभी डीजल की बाइक नहीं बन पाई? रॉयल एनफील्ड ने 80 के दशक में डीजल बुलेट टॉरस को भारतीय बाजार में उतारा था। स्पीड के मामले में ये काफ़ी कमजोर थी, लेकिन इसका माइलेज आज भी हीरो स्प्लेंडर से भी ज़्यादा था। बाइक लवर्स के बीच रॉयल एनफील्ड बुलेट माइलेज को लेकर हमेशा से चर्चा में रही है। हालांकि अब नई और आधुनिक तकनीकियों ने के आने के बाद माइलेज में काफ़ी सुधार हो गया है और आप आसानी से 40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज पा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश में एक ऐसी बुलेट थी जो कि 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी? रॉयल एनफील्ड के पुराने बाइक्स के इस सीरीज में आज हम आपको रॉयल एनफील्ड टॉरस के बारे में बताएंगे। रॉयल एनफील्ड टॉरस एक डीजल बाइक थी और कंपनी ने इसे 80 के दशक में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था, जो कि साल 2000 तक देश में बिकी और फिर इसे बंद कर दिया गया था। ये देश में सबसे लंबे समय तक बेचे जाने वाली डीजल बाइक थी और उस दौर में इसे काफ़ी पसंद भी किया जाता था। कंपनी ने इस बाइक में 325 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर युक्त डीजल इंजन प्रयोग किया था, जो कि महज 6.5 BHP की पावर जनरेट करता था। आज के समय में 350 सीसी की बुलेट 19.7 BHP की पावर जनरेट करती है। इस बाइक की टॉप स्पीड महज 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतना ही नहीं, इस बुलेट का वजन भी सामान्य 350 सीसी का पेट्रोल बुलेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था। इसका कुल वजन 196 किलोग्राम था। वहीं बुलेट पेट्रोल का वजन 168 किलोग्राम था। रॉयल एनफील्ड ने जब इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया था तो उसके बाद भी इस बाइक का उत्पादन होता था। पंजाब की ट्रैक्टर निर्माता कंपनी स्वराज ट्रैक्टर ने इस बाइक के डिजाइन में थोड़ा बदलाव करके सूरज बाइक के नाम से ही इसका उत्पादन करती थी, क्योंकि अपने माइलेज के चलते ये बाइक लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थी। हालांकि अभी भी रॉयल एनफील्ड ने कुछ शौकीनों के पास ये डीजल टॉरस मौजूद है, जिसे वह मॉडिफाई करके आज भी ड्राइव करते हैं। अब देश में मारुति जैसी कंपनियां जहां डीजल कारों का उत्पादन बंद कर रही हैं, वहीं ऐसे में डीजल बाइक की कल्पना करना भी मुश्किल है।